मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 21 एजेंडे रखे गए थे। इनमें से 20 एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी। कैबिनेट द्वारा किन फैसलों पर मुहर लगाई गई, उनको ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से समझिए। कैबिनेट द्वारा फसलों को एमएसपी पर खरीद के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने रागी, सोयाबीन, काला सीड, जूट, खोपरा, मूंग, नाइजर सीड, सूरजमुखी, जौ, मक्का और ज्वार की खरीद को एमएसपी पर मंजूरी दी। कैबिनेट ने राज्य में आबियाना को खत्म करने की दी मंजूरी। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से नहीं लिया जाएगा आबियाना। आबियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए भी माफ। हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के क्रीमी लेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को एक्सपोस्ट फैक्टो दी स्वीकृति। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया। हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकर्रीदार स्वामित्व अधिकारों का निहित होना नियम 2011 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के बाद धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकर्रीदार या उनके हित उत्तराधिकारी जिनका 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वो अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को दी मंजूरी। शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट लेने वाले आवेदकों को किस्त देने में होगी आसानी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी। किसानों के हित में आगे आकर वो भी कुछ फसलों की एमएसपी पर करें खरीदी। अग्निवीरों के लिए भी लिए ऐतिहासिक फैसले। हरियाणा गुरुद्वारा चुनाव आयोग के चेयरमैन पद के लिए छूट। बहरहाल सैनी सरकार के कैबिनेट में कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगी है, खासकर एमएसपी और अग्निवीरों को लेकर लिए फैसले सराहनीय कदम है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों से भी अपील की है कि वो किसानों के हित में आगे आकर कुछ फसलों की एमएसपी पर खरीद करें। बहरहाल हरियाणा सरकार की कैबिनेट में लिए इन फैसलों पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।